तेजस्वी लोग हैं हमारे पास भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं तो भाई बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हमारा एम एनिमी के बॉडी पे लॉक हो जा रहा है एनिमी के बॉडी पे बिल्कुल चिपक जा रहा है और उस सिचुएशन पे ना हमारा ड्रैग हेडशॉट काम कर रहा है ना हमारा वन टैप हेडशॉट काम कर रहा है क्योंकि हमारा एम एनिमी के बॉडी पे बिल्कुल लॉक हो जा रहा है और किसी भी तरह हमारा एम एनिमी के हेड तक नहीं पहुँच पा रहा है तो भाई अगर आप भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करे हो तो भाई इसका सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ भाई आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखे और आप आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार कैसे चलेगा कैसे तुम्हारा भाई आगे जाएगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना फिलहाल के लिए कोई भी बकवास नहीं डायरेक्ट चलेंगे हमारे वीडियो में

एनिमी के बॉडी पे लॉक करके रखोगे रेड करके रखोगे तो वहाँ पे आपका एम लॉक हो जाएगा बिल्कुल परमानेंटली लॉक हो जाएगा एकदम चिपक जाएगा और उसके बाद आप लोग ड्रैग हेड शॉट या फिर वन टैप हेड शॉट के लिए अगर ट्राई करोगे तो आपका एम कभी भी एनिमी के हेड तक पहुँच नहीं पाएगा अब देखो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होने के पीछे हमारा जो सेकंड रीज़न है वो है कि अगर आप लोग अपने एम को एनिमी के कमर में या फिर एनिमी के पेट में अगर लॉक करोगे तो वहाँ पे भी आपका एम एनिमी के पेट या फिर कमर में बिल्कुल चिपक जाएगा चाहे आप लोग एक सेकंड के लिए लॉक करो या फिर आप लोग तीन सेकेंड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग अपने एम को एनिमी के कमर या फिर एनिमी के पेट में एक सेकेंड के लिए भी लॉक कर दोगे और उसके बाद अगर आप लोग ड्रैग या फिर वन टैप जाओगे तो आपके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा मतलब वहां पे आपका एम एनिमी के हेड तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रैग मारते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा वन टैप के लिए ट्राई करते हो मतलब एकदम फायर बटन को ऊपर की ओर खींचती है उसके बाद भी आपका एम एनिमी के चेस्ट तक ही जा पाएगा आपका एम कभी भी एनिमी के हेड तक नहीं जा पाएगा अगर आप लोग किसी भी तरह अपने एम को एनिमी के कमर या फिर एनिमी के पेट में लॉक कर लेते हो एक, एक सेकेंड के लिए भी अभी बात करते हैं हमारे थर्ड रीजन की देखो देखो अगर आप लोग मूवमेंट के साथ ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट मारने जाओगे तो वहां पे भी आपका एम एनिमी के बॉडी पे चिपक जाएगा एनिमी के बॉडी पे लॉक हो जाएगा क्योंकि यार मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है कि वो बंदा मूवमेंट के साथ मतलब इधर उधर मूवमेंट के साथ वो बंदा ड्रैग या फिर वन टैप मारने जाता है तो उस सिचुएशन पे उसका ड्रैग या फिर वन टैप नहीं लग पाता है और कभी कभार उनका एम एनिमी के बॉडी पे बिल्कुल चिपक जाता है जिसके वजह से उनका एम एनिमी के हेड तक नहीं पहुंच पाता तो तो अगर आप लोग मूवमेंट के साथ एनिमी को वॉन्ट या फिर ड्रैग मारने जाओगे तो वहां पे भी आपको ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो भाई ये तो था हमारा प्रॉब्लम क्यों एनिमी के बॉडी पे हमारा एम लॉक हो जाता है तो अभी बात करते हैं हमारे सोल्यूशन के बारे में तो हमारा जो सबसे पहला सोल्यूशन है देखो आपका एम जैसे ही एनिमी के बॉडी पे रेड होता है मतलब जैसे ही आपका एम रेड होता है उसी वक्त आपको करना है फायर अगर आप लोग ड्रैग के गन यूज़ करें हो तो उसी मोमेंट पर आपको फायर कर देना है अगर आप लोग किसी भी प्रो प्लेयर का गेम प्ले देखते होंगे तो वन सेकेंड के लिए एम रेड होता है उसी मोमेंट पर वो बंदा फायर कर देता है मतलब ड्रैग कर देता है जिसके वजह से उसका एम एनिमी के बॉडी पे नहीं चिपकता है डायरेक्ट एनिमी के हेड तक चला जाता है बहुत ही आसानी से तो आपको भी ऐसा ही करना है जैसे ही आपका एम रेड होता है तो उसी मोमेंट पर आपको ड्रैग या फिर वन टैप के लिए ट्राई करना है जिससे आपका एम एनिमी के बॉडी पे नहीं चिपकेगा अभी बात करते हैं हमारे सेकंड सोल्यूशन के बारे में जो कि ये देखो अगर आप लोग अपने एम को अपने सर से ऊपर रखोगे तो अगर सामने एनिमी आ भी जाता है तो वहाँ पे आपका एम ऑटोमेटिक एनिमी के चेस्ट के ऊपर लॉक हो जाएगा जिसके वजह से आप लोग उसके बाद अगर ड्रैग या फिर वन टैप मारने जाओगे तो वहाँ पर आप लोग वन टैप या फिर ड्रैक मार सकते हो बहुत ही आसानी से भाई बात को ध्यान से समझो आपको ऑलवेज अपना जो एम है अपने सर के ऊपर रखने की कोशिश करना पड़ेगा तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी एनिमी अचानक आ जाता है आपके सामने तो वहां पे आपका एम एनिमी के चेस्ट में ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और उसी मोमेंट पे अगर आप लोग ड्रैग या फिर वन टैप के लिए ट्राई करोगे तो आपका एम एनिमी के बॉडी पे नहीं लॉक होगा अभी बात करते हैं हमारे थर्ड सॉल्यूशन के बारे में जो कि है रोटेशन रैग देखो अगर आपका एम एनमी के बॉडी पे चिपक गया है और आपने मैंने जो पहले दो आपको सॉल्यूशन बताया है ये दो सॉल्यूशन आप लोग ट्राई कर लिए उसके बाद भी आपका एम एनमी के बॉडी पे चिपक जा रहा है तो उस सिचुएशन पे आप लोग रोटेशन रैग का ट्राई कर सकते हो आपका एम एनमी के बॉडी पे नहीं चिपकेगा आपका एम डायरेक्ट एनिमी के हेड पे चला जाएगा अब देखो यार रोटेशन रैग यूज़ करना है मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग हर टाइम रोटेशन रैग ही सिर्फ यूज़ करते जा रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका एम एनिमी के बॉडी पे चिपक गया है तो उस सिचुएशन पे आप लोग रोटेशन रैग यूज कर सकते हो इससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका एम एनिमी के बॉडी पे नहीं चिपकेगा अभी बात करते हैं हमारे फोर्थ सोल्यूशन के बारे में देखो यार अगर आपका एम एकदम लॉक हो चुका है बिल्कुल चिपक गया है और मैंने जो अभी आपको तीन सोल्यूशन बताया है ये तीन सोल्यूशन भी आपका काम में नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है तो उस सिचुएशन पे आपको एक बार फायर करना बंद कर देना है ठीक है ना मतलब आप जो ड्रे के लिए ट्राई कर रहे थे फायर कर रहे थे एनिमी के बॉडी पर आपका एम चिपक गया है उस सिचुएशन पर तो आपको एक बार फायर करना बंद कर देना है और एक बार जॉयस्टिक बटन यूज करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड या फिर थोड़ा सा राइट right साइड में मूवमेंट करना है मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग जिग कर रहे हो ये कर रहे हो ऐसा नहीं है मूवमेंट का मतलब है सिर्फ आपको जॉयस्टिक बटन को यूज करके थोड़ा सा इधर आना है मतलब थोड़ा सा राइट right साइड में या फिर लेफ्ट साइड में आना है और फिर आपको स्टील खड़े होकर फिर आपको ड्रैग के लिए ट्राई करना पड़ेगा या फिर वन टैप अगर यूज करो वन टैप के गन तो वन टैप के लिए ट्राई करना पड़ेगा तो वहां पर आपका एम बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा भाई ये सोल्यूशन बहुत ही मस्त है भाई मैं खुद यूज करता हूं और ये सोल्यूशन भाई बहुत ही एकदम ओपी सोल्यूशन है तो आप तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो अगर आपका मैंने जो पहले जो तीन सोल्यूशन आपको बताया है वो अगर आपका वर्क नहीं करता है तो आप लोग ये कर सकते हो ये हंड्रेड परसेंट आपका वर्क करेगा तो भाई मैंने आपको जो कुछ भी बताया है सब कुछ बिल्कुल रेयर है और ये चीज़ आपको किसी दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा तो यार आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके मुझे बोलना कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये जो मैंने आपको सल्यूशन बताया है ये सोल्यूशन आपका वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो बेस फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया